नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झाबुआ जिले में नगरपालिका परिषद कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक अनुविभागीय दंडाधिकार ML मालवीय, नगरपालिका अध्यक्ष मनु डोंडियार, उपाध्यक्ष रोशनी डोंडियार की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। बैठक में नोवल कोरोना COVID-19 के चलते गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन अनुसार किसी भी प्रकार के धार्मिक जुलूस कार्यक्रम में निर्धारित संख्या के अनुरूप आयोजित होंगे। वहीं नगरपालिका परिषद द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार स्थानीय कॉलेज ग्राउंड पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित होता रहता है, जिसमें 15 से 20 हजार के लगभग की जनसंख्या रावण दहन कार्यक्रम में मौजूद रहती है। इस दौरान नगरपालिका परिषद द्वारा रावण दहन की रूपरेखा बना ली गई है। शासन की गाइडलाइन को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार नगरपालिका परिषद के जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले की पेटलावद थानला नगर पंचायतों में भी रावण दहन का कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर समस्त प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखते हुए कोरोना महामारी के चलते एक मत होकर रावण दहन कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लिया है। आयोजित बैठक में पार्षदगण साबिर फिटवेल, अजय सोनी, रसिद कुरैसी, नरेंद्र संघवी, नूरजहां अब्दुल, नरेंद्र राठौड़, सुनीता हार, अविनाश डोंडियार, धुमा डामोर, बबलू कटारा, जुवान सिंह गुंडिया, धुमा डामोर एवं नगरपालिका परिषद के लेखापाल पंकज गोड़, सब इंजीनियर सुरेश गणावा, स्वास्थ्य अधिकारी यूनुस उद्दीन कुरैसी, स्वच्छता प्रभारी कमलेश जायसवाल, राजस्व निरीक्षक अयूब खान, मुकेश चौहान, मुकेश पंकज सोलंकी आदि मौजूद रहे हैं। झाबुआ से जियाउल हक कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।